Friends, today we are going to discuss some new more words regarding our English vocabulary. कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब अपने जो भी दोस्त जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको फ्री जॉब अलर्ट्स बताते हैं, कहाँ आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, कहाँ पर आपने ट्राई करना है. और कोशिश करें कि इस नंबर से आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स वगैरह या आपको अगर कोई फ्री जॉब अलर्ट के बारे में बताना है तो वहाँ पे आपको नॉलेज मिलती रहेगी. और जैसे कि हम इंग्लिश तो डेली 5 वर्ड्स सीख रहे हैं. फ्रेंड्स, पहला वर्ड्स आज के लिए है हमारे पास फैटल, जिसका मतलब होता है घातक. इट इज़ अ वेरी फैटल थिंग, इट इज़ अ वेरी फैटल मेडिसिन, मतलब घातक, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि पियोगे और आपको नुकसान करेगी, तो फैटल मतलब घातक होती है. ठीक है. एग्रावेट, उत्तेजित, कोई आपने कुछ करा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ जाए किसी में, जैसे कि आपने किसी को कुछ वर्ड्स बोल दिए और उसकी वजह से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित. वैसे एक्साइटेड भी इसका एक मीनिंग हो सकता है. आई वॉज वेरी एग्रावेटेड अबाउट हिज कमिंग टू इंडिया. नेक्स्ट देखेंगे वर्ड है एब्डोमेन. एब्डोमेन होता है आपका बैली या टमी एरिया, जो आपका पेट वाला पूरा हिस्सा है वो एब्डोमेन कहलाता है. ही पुट हिज स्टेथोस्कोप ऑन माई एब्डोमेन एंड चेक माई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो ये एब्डोमेन का मतलब होता है बैली या टमी एरिया. ठीक है. एग्जीबिशन होता है प्रदर्शनी, जैसे कि कई चीज़ों की प्रदर्शनी लगती है, जैसे मेला वगैरह टाइप का लगता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स का सामान आपको दिखाया जाता है कि कहाँ क्या क्या बनता है. तो उस तरह से प्रदर्शनी से बेसिकली क्या होता है, हमारे जो घरेलू जो चीज़ें बना रहे हैं तो उसके बारे में फिर और लोगों को भी पता लगता है, तो वो उसका पर्पज़ होता है. प्रदर्शनी बेसिकली बोलते हैं इसको, एग्जीबिशन टाइप ही, मेला टाइप का होता है. इनॉर्मस मतलब विशाल या टू लार्ज. इट्स टू लार्ज, इट्स एन इनॉर्मस एनिमल. जैसे कि डायनासोर होते थे पहले, देवर वेरी इनॉर्मस, मतलब बहुत बड़े होते थे, विशाल काय होते थे. ठीक है. तो वो हो गया इनॉर्मस का मतलब विशाल. एसेंशियल मतलब आवश्यक, जैसे कि देखो अभी लॉकडाउन में आपका एसेंशियल सर्विसेज वर ओपन्ड फॉर पीपल. इसका क्या मतलब हुआ कि एसेंशियल सर्विसेज जितनी थी वो सारी चालू कर दी गई थी, किसके लिए, लोगों के लिए. तो एसेंशियल सर्विसेज में क्या आते हैं आपके, जैसे दूध वगैरह ये सब चीज़ें या डेली नीड्स की चीज़ें सारी वो असेंशियल आती है. तो इट इज़ एन असेंशियल थिंग, जैसे कि आपको सांस लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें सांस में ऑक्सीजन होनी बहुत ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन इज एन असेंशियल एयर फॉर अस. ऑक्सीजन इज वेरी असेंशियल फॉर आवर स्टे एट अर्थ. तो ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जो कि आपको 4-5 वर्ड्स डेली आपको याद करवाती हैं. कोशिश कीजिए इसी के ऊपर, जैसे एसेंशियल वर्ड के ऊपर 5 सेंटेंसेस बनाइए, ताकि आप उसका मीनिंग हमेशा याद रख सकें. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.